是那么短जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद hari gopal hari gobind hari jay jay radhe radhe krishna gopal hari radhe radhe krishna gopal hari radhe radhe krishna gopal hari गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि 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 गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि
भगवान की शरणागति सर्वतोभाव से होनी चाहिए। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ने कहा कि अर्जुन सर्व भाव से उसकी शरण में जा। सर्व भाव माने तुम्हारे पास जो कुछ है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, धन है, पैसा है, परिवार है, कुटुंब है, स्त्री है, पुत्र है, ये सब प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। व्यास जी ने लिखा है कि अपनी स्त्री भी है, वो भी भगवान और भगवत भक्तों की सेवा में लगा देनी चाहिए। सबसे कठिन वही पड़ता है, तिरिया हो जो नहरि की दासी, तो उससे मनुष्य को प्रेम नहीं करना चाहिए। बेटा है, बेटी है, जिनको भगवत प्रेम नहीं है, भगवत विमुख हैं, तो उनका उनसे संबंध, उनका पालन पोषण ये सब वैष्णव को नहीं करना चाहिए। यदि वो करता है तो भक्ति उसकी नष्ट हो जाती है, वैष्णव धर्म सिद्ध नहीं होता है। विदुर जी ने यही कहा था धृतराष्ट्र से वैष्णव धर्म सिखाया, और बोले हमारी तुम बात मान लोगे तो तुम्हारा सारा वंश बच जाएगा और नहीं तो नष्ट हो जाएगा। विदुर जी की बात बहुत बुरी लगी दुर्योधन को, और वो क्रोध में बोला ये तो काला सांप है, सांप को दूध पिलाओ तो उसी को काटता है। विदुर जी ने तीसरे स्कंद के प्रारंभ में ही ये प्रसंग आता है, वैष्णव धर्म सिखाया। सईश दोष पुरुषड विदास्ते, पुरुषट द्विड बने कृष्ण से ये द्वेष करता है। वहीं सभा में दुर्योधन भी बैठा था, चांडाल चौकड़ी बैठी थी, दुर्योधन, दुशासन,
कर्ण शकुनी ये चांडाल चौकड़ी थी, चोर चोर मौसेरे भाई, भक्त 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 से प्रेम करता है और जो भगवत द्वेषी है वो द्वेषियों से प्रेम करेगा। तो उन्होंने सभा के बीच में घोषणा किया, ये जो तुम्हारा बड़ा लड़का है, सबसे प्यारा है, जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ दे दिया है, ये पुरुषद्विड है, गृहान प्रविष्टो, ये दोष तुम्हारे घर में आ गया है। बोले क्यों? क्योंकि तुम इसका पालन करते हो। यम अपत्य मत्या पुष्णासी, ये हमारा बेटा है, ये समझ करके इसका पालन करते हो, धन संपत्ति राज्य सब देते हो, पुष्णासी इसको तुम पालन करते हो, इसलिए कृष्णाद विमुख हो, तुम भगवान से विमुख हो गए हो। जब मनुष्य विमुख से आसक्ति करता है, विमुख से प्रेम करता है, तो भगवान से विमुख हो जाता है। वैष्णव धर्म है, नाते नेह राम के मनियत, बहुत तक कहूं कहां लूं, केवल भगवान से ही नाता रखना है और भगवत विमुख से नहीं रखना है। यदि रखता है तो वो व्यक्ति भी भगवान से विमुख हो जाता है। और भगवान के भक्तों से प्रेम करेगा तो निश्चय है कि भगवान उसको मिलेंगे। वाल्मीकि जी से पूछा था भगवान ने कि तुम हमें स्थान बताओ, हम कहां रहें। और तब उन्होंने कहा था कि जिनके हृदय में आपके भक्तों से प्रेम है, उनके पास आप रहो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहुं सहित वैदेहि। अयोध्या कांड 130 दोहा। भगवान के भक्तों से प्यार करो, बिना मेहनत के भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। और यदि
उनसे प्रेम नहीं है तो भगवान चले जाएंगे, आए भय भी चले जाएंगे। राम भगत प्रिय लागे जे ही, जिनको भगवान के भक्त प्रिय लगते हैं उसके हृदय में सीता जी के समेत आप निवास करो। इसलिए ये वैष्णव सिद्धांत है, विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन इसका प्रेम नहीं है कृष्ण से, द्वेष है। ये साक्षात मूर्तिमान दोष है और तुम इसको अपत्य बुद्धि अपने बेटा के तरह प्यार करते हो, पुष्णाश पालन करते हो तो भगवान से विमुख हो गए हो, घोषणा कर दिया। और गतश्री माने श्रीहीन हो गए तुम, इसलिए तुम ऐसा करो, त्यज इस बेटे को छोड़ दो। अशय ये मंगल अमंगल रूप है बेटा। बोले क्यों? कुल कौशलाय, अपने कुल की कुशलता चाहते हो और नहीं तो तुम्हारा ये सारा कुल वंश नष्ट हो जाएगा। और सभी वंश नष्ट हुआ, कौरव जितने थे उसमें एक भी नहीं बचा, सौ बेटे और उनके नातेदार रिश्तेदार जने कितने थे सब नष्ट हो गए। तो इसलिए विदुर जी ने कहा तुम अपनी कुल की कुशलता चाहते हो तो ये हमारा बेटा है, ये संबंध हटा लो और इसको निकाल दो। लेकिन ये आसक्ति बहुत प्रबल होती है, वो नहीं निकाल पाए और हुआ वही, कौरव वंश में कोई नहीं बचा। जो विदुर ने कहा था यही बात विभीषण ने कहा था, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तूर। ये सारा जो असंख्य अनगिनित तुम्हारा पुत्र पौत्र आदि का झुंड है, एक बहुत बड़ी सभा है, तुमने तीनों लोग जीत लिया, ये सब काल के अधीन है, ये सब मरने वाले हैं। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिखोर, मैं तो भगवान की शरण में जाता हूं, तुम मुझको दोष मत देना। और वो कह करके अस कही चला विभीषण जब ही,
आयु हीन भय सब तब ही, उसी समय सब मर गए थे। बोले नहीं तो लड़ाई भरी है तब मरे हैं। बोले नहीं, वो तो एक नाटक था, युद्ध लीला दिखानी थी भगवान को, उनकी आयु तो उसी समय नष्ट हो गई थी। भक्त द्रोह जब किया था, भागवत में लिखा है दशम स्कंद के चौथे अध्याय में, आयुः श्रियं यशो धर्मम् लोकान आशीष एवच हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। भगवत भक्तों का जब अपराध करता है मनुष्य, उसी समय उसकी आयु खत्म हो जाती है, मर जाता है। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आयु खत्म हो गई उसकी, उसकी श्री खत्म हो गई, यश खत्म हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है सब। लोकान जितना भी संसार में उसका प्रभाव है, संबंध है, आशीष माने कामनाएं हैं, सुख संपत्ति सब खत्म हो जाती है। जितने कल्याण के साधन है सब खत्म हो जाते हैं। ये हमने अनुभव किया, देखा ब्रज में, देखा यहां बड़े बड़े प्रभावशाली लोग थे, कोई चेयरमैन था बरसाने का, कोई यहां का प्रधान था, कोई कुछ था, और उन्होंने भक्तों से द्रोह किया, सब समाप्त हो गए, न उनकी श्री रही न कीर्ति रही। जबकि किसी गांव में ऐसे ऐसे लोग थे, यहां के 5-7 गांव में उनका प्रभाव था, सब श्री कीर्ति नष्ट हो गई। तो इसलिए भगवत भक्त से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। और सर्वतो भाव से भगवान की शरण में जाना चाहिए। सर्वतो भाव से यह है कि कहीं भी आसक्ति बचा के नहीं रखनी चाहिए, भगवान और भगवत जनों से ही अपना संपर्क, संबंध, प्रेम रखना चाहिए। सर्वतो भाव से मतलब है कि सबसे पहले शरीर, हर मनुष्य शरीर में आलस्य के कारण काम चोरी करता है, और हमारा समाज आज तेज हीन क्यों है? हम जब आए थे, पुरानी बातें हैं, लगभग 60 साल पुरानी, तब वृंदावन रमण रीति में कोई मकान नहीं था, जंगल था, तो वहां लोगों ने बताया कि कलाधारी में साधु सेवा होती है। पुराना स्थान वही है, पीछे ही सब तो अभी भये हैं, गुरु दाऊ जी वही सब जितने भी हैं। हम वहां गए,
उस समय कोतवाल होते थे साधुओं के स्थान में, उसको कोतवाल कहा जाता है जो शासन करता है। जैसे हम वहां गए तो कोतवाल बोला, ए मूर्ति, बड़ा कड़ा होता है, तुम नए हो। हमने कहा तो यहां प्रसाद वही पाता है जब दो घंटे या तो सेवा करो या दो घंटे कीर्तन करो। क्या करोगे? हमने कहा हम कीर्तन कर लेंगे, रसोई बनाना हमको आता नहीं है। तो बैठ गए कीर्तन की लाइन में, और कीर्तन की लाइन ज्यादा बड़ी थी कि उसमें मेहनत नहीं है। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये होता था महामंत्र। सेवा में जो लोग जाते थे वो लकड़ी फाड़ना, बर्तन मांजना, प्रसाद मांजना, रसोई के बहुत से काम है, साग सब्जी अमनिया करना, तो उसमें कम लोग जाते थे। ज्यादातर कीर्तन में लोग जाते थे, उसमें मेहनत नहीं पड़ती है। तो हमने वहां अनुभव किया कि बहुत से लोग उसमें थे हम जैसे आलसी, जो कीर्तन भी नहीं करते थे। बैठे बैठे देख लिया कोतवाल आ रहा है तो झांट झांज लेकर के हरे राम 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 हरे हरे जोर जोर से चिल्लाने लग गए, हरे कृष्ण। और जब कोतवाल चला गया तो गप मार रहे हैं। तो बहुत पुरानी बातें हैं, उस समय हमको लगता था ये बड़ा भारी धोखा है, मनुष्य अपने साथ छल कर रहा है, इस शरीर को बचा रहा है कि शरीर पर जोर न पड़े। अरे कीर्तन में क्या जोर है, भगवान का नाम बोलना है। लेकिन हम जैसे लोग ऐसे निकम्मे आलसी हैं कि उसमें भी आलस करते हैं। खैर, थोड़े दिन का था, वहां से हम चले आए यहां। बरसाने में श्री जी ने निवास दे दिया, लेकिन यहां भी हमने अनुभव किया कि 60 साल के बीच में जाने कितने साधु हमारे पास मानगढ़ में आए रहे और चले गए। हम किसी से न सेवा चाहते हैं न हमने जोर दी आज तक, लेकिन हम कहते रहते थे भाई कुत्ता भाई रोटी खाता है तो कुछ वहां चौकीदारी करता है, हम लोग टुकड़ा खाते हैं ब्रजवासियों का, तो ब्रज की सेवा करना चाहिए हमको। कुत्ते से भी गए बीते हैं हम लोग। तुम लोग ये करो कि केवल भगवान नाम लेते जाया करो और कीर्तन करते लौटा करो। ब्रजवासी भगवान नाम सुनेंगे, वृक्ष सुनेंगे, लता पता, ये ब्रज की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन आज तक हम सफल नहीं रहे। अब कोई भगवान की कृपा है, अब वर्तमान में जो संत रह रहे हैं इन लोगों ने हमारी बात मानी, और बाकी तो कितने लोग थे वो नहीं मानते थे। तो इस शरीर के पीछे हम जो आलस्य प्रमाद काम चोरी करते हैं,
ये शरीर किस काम का, ये मुंह किस काम का, सर्प है हम लोग, जीव सुदादुर जीव समाना। महादेव जी ने कहा जो नहीं करे राम गुण गाना, वो मेढक की जीभ है, कीड़े खाती है, खाने बैठेंगे तो छाती अड़ा देंगे, और कीर्तन के लिए आलस्य प्रमाद तमाम चोरियां आती हैं मन में। बहुत पुरानी बात है, जब आए थे हम, एक साधु था भगवत शरण उसका नाम था, वो बेचारा ब्रजवासी था, बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर था उसका, बठैन का था, तो भिक्षा मानपुर से लाते थे। उन दिनों बाजरे की ही रोटियां बनती थी मानपुर में, अब तो खैर सब चल गया, केवल बाजरे ही खाते थे मानपुर के लोग, तो मोटी मोटी रोटियां मांग के खाते थे। हम लोग कहते थे ये सीमेंट की रोटियां हैं, हरा रंग होता है बाजरे का ना, वो पुष्ट शरीर का था, बैठता था तो 12-14 रोटी एक साथ खा जाता था, और बाकी लोग तो 2 रोटी में बाजरे की हजन करना मुश्किल हो जाता है। तो बैठता था तो हंसता था, पहले बड़े जोर से हंसता था, बोले देखिए महाराज ये थई की थई 14 रोटियां हैं। हमने कहा है तो सही है, अब जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो जितने देवता हैं, आंख का देवता आप कहते हैं, इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं, कान का देवता है, ये नाक का देवता है, ये हाथ का इंद्र है, पांव का विष्णु है, आंख का देवता सूर्य है, ये सब देवता आ जाएंगे, और जब भोजन कर लूंगा तो सब देवता चले जाते हैं, फिर मैं सो जाता हूं। तो दोष हमारा है कि देवताओं का है? वो परिहास में कहता था। हमने कहा भाई दोष तो अपना देखना चाहिए, देवताओं को दोष क्यों देखते हो? लेकिन ये हमने इसलिए बताया कि शरणागति नहीं है, शरीर को बचाना। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। 18वें अध्याय में भगवान ने 7वें श्लोक में कही गई है, नियत जो कर्म है, शरीर से सेवा करना, मन से सेवा करना, इंद्रियों से, हाथ से, पांव से, वो ठीक नहीं है। तुम मोह से, अज्ञान से इसको छोड़ते हो तो तामस त्याग है। हम लोग साधु बन गए तामस त्याग करते हैं, गीता कह दो भागवत कह दो कुछ असर नहीं होता, सारा समाज हमारा तामस त्याग में डूब गया है, इसलिए देश की क्षति है, समाज की क्षति है, गांव की क्षति है, सर्वतो भाव की शरणागति वही है। शरीर का सारा अंग जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान का उपयोग है भगवान की कथा सुनना, और नहीं तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना,
ये कान हमारा सर्प का बिल है, अहि माने सर्प। दुनिया भर की बात सुनते हैं और करते हैं, कहते हैं, लेकिन कथा के समय कानों को बंद कर लेते हैं। नयन न संत दरस नहीं देखा, भगवान के दर्शन तो मुश्किल है, भगवान के भक्त लोगों को दर्शन नहीं किया, तो जैसे मोर पंख में तमाम आंखें बनी रहती हैं, वो आंखें जीवित नहीं हैं, हम जैसे लोगों की आंखें मर चुकी हैं। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान भगवत भक्त गुरु माने संतों के आगे सिर नहीं झुकता है तो कड़वी तूमी होती है, जो बड़ी कड़वी होती है उसका तूंबा बहुत बड़ा होता है, तो उस व्यक्ति का सिर कड़वी तूंबी के तूंबा की तरह है, उसमें कड़वा रस भरा हुआ है, विमुखता का रस, यानी मस्तक नहीं झुका तो सुर वो सिर एक कड़वी लौकी के तूंबा के तरह है। ये बात हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि शरीर के रोम रोम भगवत सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाए। जैसे अम्बरीश जी थे, उनका एक एक शरीर का कण कण भगवान की सेवा में लगता था। चक्रवर्ती सम्राट थे, छोटे मोटे राजा नहीं था, उनके पास अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती प्रभु और श्रियम चाव्यम लब्ध्वा विभवम आतुलम बुभुई। सेवा के प्रताप से अतुल वैभव था, पृथ्वी पर उनके समान वैभव किसी के पास नहीं था। अव्यय लक्ष्मी थी, देवताओं के पास भी नहीं है। सेवा के प्रताप से यही देख लो, हमारे यहां भगवान नाम होता है, यद्यपि हम 60 साल से कह रहे थे लेकिन ज्यादातर जितने लोग आते थे हमारी बात मानते नहीं थे, बंधन समझते थे, कीर्तन करना बंधन है। अब 5-7 साल से जितने अब संत आए हैं, रह रहे हैं, इन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया तो स्थान में श्री आ गई है। साधारण से आदमी हम, कोई मेहनत नहीं है, कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, चेला नहीं, चेली नहीं, पैसा नहीं, ढेला नहीं है, कहीं बैंक में अकाउंट नहीं है, और ऐसी श्री है, 21,000 गायें रह रही हैं, और कहीं मांगा नहीं जाता, जांचता नहीं जाता, अपने आप प्रभु कर रहा है। तो ये जब मनुष्य श्रीहीन हो जाता है तो अपने पेट नहीं भरता, सारे जन्म धक्का खाता रहता है, भाषण भले ही कोई कितना उगर ले, लेकिन जब सच्ची शरणागति है कि जितने लोग हैं
उनका रोम रोम भगवत सेवा में काम में आवे। और भगवत कृपा से सभी लोग संकीर्तन करते हैं एक साथ, बहुत बड़ा यज्ञ है। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, अम्बरीश जी मन को लगाते थे भगवान के चरणों में। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वचांसी अपने वाणी का भगवत गुणगान में प्रयोग करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथों से मार्जन मने बुहारी लगाना, मंदिर में अपने हाथ से बुहारी लगाते थे। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय, ऐसे ऐसे प्रमादी भी लोग आ गए हमारे यहां, अब तो नहीं है कि मंदिर में कभी कहा गया भाई बुहारी लगा लिया करो, तो वो कड़वा उत्तर देते थे। हम लोग क्या साधु इसीलिए बने हैं? उसे कह नहीं सकते थे क्योंकि वो उनमें श्रद्धा नहीं। अरे चक्रवर्ती सम्राट होकर के अम्बरीश जी बुहारी लगाते थे, आदि माने बर्तन मांजना सारा काम ठाकुर सेवा का करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये। और मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो दृशौ, नेत्रों से भगवान के दर्शन करना। गात्रम च तद भृत्य स्पर्शेषु संगमम, शरीर भक्तों के शरीर की सेवा से पवित्र करते थे। किसी भक्त के चरणों को दाब दिया, किसी भक्त को कि शरीर की सेवा किया, किसी भक्त के वस्त्र धो दिए। तत् भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवत भक्तों के शरीर के स्पर्श से अपना शरीर पवित्र करते थे। करुणों गंगा स्नान से सुंदर हैं भगवत भक्तों का शरीर। यत्पाद संश्रया सूत मुनिया प्रश्मायना, पहले स्कंद के पहले अध्याय में कहा गया है कि जो भक्त हैं भगवान के चरणों में आश्रित हैं। सद्या पुनंतिपस पृष्ठा, पहले स्कंद के पहले अध्याय में श्लोक आता है, स्वरधुन्यापोनु सेव्या। गंगा का स्वरधुनी मने गंगा का पानी बहुत दिन में इस पवित्र करेगा, लेकिन भगवत भक्तों का शरीर उसी समय पवित्र कर देता है। व्यास साधु रजमाह व्यास से कोटिक पतित समात, करोड़ों गंगाओं से भी ज्यादा पवित्र है भगवत भक्तों का शरीर। अरे भाई गंगा जी तो आई नहीं रही थी इस संसार में, भगीरथ जी ने भगीरथ राजा ने तप किया, कई पीढ़ी तपस्या में उनकी चली गई कि हमारे पुरखे उनका उद्धार हो जाए।
कपिल मुनि के नेत्र खोलने से जल गए हैं भगवत भक्त के अपराध से, तो उनका कल्याण कैसे होगा। गंगा जी का तप किया, गंगा जी प्रकट भई और बोली किम चा हम न भुवम यास्ये। गंगा मैया बोली कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। बोले क्यों माता, हमने तप किया है, हमारे कई चले गए तप करते करते, दिलीप आदि पुरखे चले गए, क्यों नहीं चली गो चलो गई। नरा मई आज मृजन त्यघम, पापी लोग आएंगे नहाएंगे अपना पाप धोएंगे हमारे में। मृजामि तदघम कुत्र राजंस्तत्र विचिन्तिताम। नौवें स्कंद में गंगा जी ने कहा है कि वो पाप मैं कहां धोऊंगी, तुमने क्या सोचा है। मृजामि तदघम कुत्र, भगरी जी बोले हां मां मैंने सोचा है। साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंग संगा ते श्वास्ते यज्ञभिद्धरी। भक्त लोग आएंगे, सन्यासी मने लाल कपड़ा नहीं, जिन्होंने अपने सब कर्म भगवान को चढ़ा रखा है, शांत हैं, विकार नहीं है मन में उनके, ब्रह्मिष्ठ हैं, भगवान में स्थित हैं, लोक पावना मैया गंगा, इस संसार उनसे पवित्र हो रहा है, नहीं तो यहां इतना पाप होता है कि पृथ्वी चली जाए नीचे। लेकिन बड़े बड़े महापुरुष अभी हैं संसार में जिनसे पृथ्वी रुकी हुई है। ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंग संगात, वो जब आएंगे नहाएंगे तो तेरे पाप को भी हरण करेंगे, नष्ट करेंगे। क्यों, इतनी शक्ति कैसे आ गई जो गंगा माँ के पाप को धो देंगे, सारे संसार के पाप को धोती ही गंगा, और गंगा को भी पवित्र करने की ताकत उनमें कहां से आई। तेष वास्ते यज्ञभिद्धरी, बोले ये कोई बढ़ा करके बात नहीं कही जा रही है। गंगा जी को तो एक बार भगवान के चरण छूने का अवसर मिला था, भगवान के भक्तों के हृदय में निरंतर भगवान रहते हैं। तेश वास्ते अगभिधरी, इसलिए गंगा से बहुत ज्यादा उनमें शक्ति है और गंगा को पवित्र कर देते हैं। यत्पाद संश्रयासूत मुनिया प्रशमायना सद्या पुनंत्युपस्पृष्टास्ते उपस्पृष्टा तेईश्वास्ते यज्ञभिद्धरी। इसलिए सर्वतो भाग की शरणागति करनी चाहिए। ये शरीर, इसका एक एक अंग अंग, हाथ पांव कान नाक आंख, ये सब भगवत सेवा में लग जाए।
इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। देखो एक वार्ता सुनाते हैं तुमको हम, अभी समय है। पद्म पुराण में लिखा है कि शिव का निर्माल्य खाने वाला दोष का भागी होता है। और पार्वती ने श्राप दिया था शिव का निर्माल्य जो खाता है उसको अपराध लगता है। तो एक पुजारी जी थे, उनका शरीर छूटा तो वो एक पेड़ के नीचे उनका दाह संस्कार हुआ, जलाया गया और उसका धुआं आकाश में गया। ऊपर से एक विमान जा रहा था, धुआं लग गया उस विमान में, तो विमान सहित देवता जमीन पर आ गिरे। और सारे गांव में हल्ला मचा कि देखो एक विमान है, उस पर कोई बैठा है और राजा गया। उस गांव का जरा रौजादा था, उसने पूछा महाराज आप कौन हैं? बोले भाई मैं तो देवता हूं, अशुभ व्यक्ति का धुआं चिता का गया तो उससे हमारे विमान में शक्ति नहीं उड़ने की और हमारे में भी नहीं रही, पुण्य से हम लोग देवता बनते हैं। भागवत लिखा है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विकालम विकारम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। नवे अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है कि जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर हम लोग मर्तलोक में आ जाते हैं। इस व्यक्ति के चिता के धुआं से ही हमारा पुण्य उड़ गया। देखो जैसे पक्षी उड़ता है तो पंख होते हैं, वैसे ही पुण्य भी एक पंख है और इस पुण्य से उड़ने की गति ऊपर जाने ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान ने कहा सत्व गुण जब बढ़ता है जब मनुष्य ऊपर जाता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण वाले बीच में मनुष्य आदि बनते हैं और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नीच कर्म करने वाले नीचे जाते हैं अधो गति में,
सर्प बन गए, कुत्ता बन गए, बिच्छू बन गए, या जड़ जोनी बन गए, पेड़ बन गए, पहाड़ बन गए, तो हमारा पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए हमारे में वो शक्ति नहीं है। बोले अब क्या होगा, यदि किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया हो और उसका फल हमको दे दे तो हमारे अंदर अभी फिर से शक्ति आ जाएगी। भगवान ने दशम स्कंद में 24वें अध्याय में कहा, कर्मणा जायते शत्रु कर्मणैव विलीते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विलीते, जन्म मृत्यु सुख दुख सब कर्म से मिलता है, क्षेम माने कुशलता ये केवल कर्म से मिलता है। 24वें अध्याय में या 23वें में 24वें में कहा है, तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावतः स्वकर्म कृत। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों को पूजना चाहिए, नहीं पूजनी बनाना चाहिए। गलत कर्म मत करो। अंजसा येन वर्तेते वर्तेते तदैव हि अस्य दैवतम्। तो अश्वमेध यज्ञ कौन कर सकता है कलयुग में? सारा संसार जीत ले और फिर घोड़ा छोड़े, सेना साथ में जाए, संसार में कोई उस घोड़े को नहीं पकड़े। जो पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और नहीं पकड़ता इसके माने हार मान लिया उसने। अब कौन करेगा कलयुग में? प्राचीन काल में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, सारा संसार जीत लिया और फिर सारे संसार को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। तो तमाम पंडित इकट्ठा किए राजा ने, बोले एक भी आदमी नहीं है जो अश्वमेध कलयुग में करेगा। एक बुढ़िया आ रही थी उतने में, भगवत सेवा करती थी, वैष्णव थी, वो बड़े कर्म कांड से चलते हैं, अपरस अपरस, ठाकुर जी के लिए पानी अपने सिर पर लाती थी, जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन ठाकुर सेवा के लिए अपने सिर पर घड़ा लाते थे। तो पानी ठाकुर जी के लिए, अब भी बहुत से वैष्णव हैं जो ठाकुर सेवा रखते हैं और अपने हाथ से कुआ से पानी खींचते हैं, तमाम आते हैं वैष्णव लोग भी। कोई दूसरे से पानी नहीं लेंगे, खुद अपने ठाकुर जी के जल अपने हाथ से खींच के लाते हैं, रसोई बनाते हैं, भोग लगाते हैं। तो बुढ़िया आ रही थी, उसके सिर पर घड़ा था जल का,
उसने देखा, बोले अरे यहां भीड़ क्यों लगी है भाई? बुढ़िया ने पूछा, और लोगों ने कहा ऐसा है कि बुढ़िया ये देवता पड़ा है यहां पर विमान पर, ये देवता था, चिता की धुआं लग गई तो इसके सब पुण्य जल गए और ये जमीन पे आ गिरा है। अब जिसने अशुभ यज्ञ किया होगा वो अपना पुण्य दे दे तो ही फिर से देवता चला जाएगा। बोले इस कलयुग में अशुभ यज्ञ कौन कोई कर ही नहीं सकता, सारा संसार जीते ऐसा कौन है? वो बुढ़िया बोली कि देखो तुम सब लोग हट जाओ यहां से, या विमान को मैं स्वर्ग भेज दूंगी। सब लोग हट गए तो उसने हाथ में जल करके जल लेकर के कहा, मैं रोज ठाकुर जी के लिए जल लाऊं, एक कदम चलने का पुण्य दे रही हूं इसको, सिर्फ एक कदम। कदम माने डग, और ये चला जाए। एक कदम जल लाने का पुण्य दिया, संकल्प का पानी छोड़ा और उसी समय आकाश में विमान उड़ गया और देवता भी उड़ गया। उसने कहा कि अरे भगवत सेवा से बड़ा यज्ञ कुछ नहीं है। आज हम लोग सेवा से चोरी करते हैं, शरीर में कोई जोर न पड़ जाए, सेवा विहीन है सब लोग, नारद पुराण में लिखा है कि भगवत भक्त के मुर्दा शरीर में भी ये शक्ति है। हर आदमी मरता है जीता है, तो मरे भय शरीर के पापी के शरीर में वो शक्ति है कि वो उसको छूने वाले या उसको स्पर्श करने वाले पाप के भागी होते हैं, और भगवत भक्त जो मर गया है, कलेवरम वा तद भस्म तद धूमम वापि सत्तम, यदि पश्यति धर्मात्मा सलोकम ही गच्छति। मरे भय भक्त के मुर्दा शरीर में भी शक्ति है, या उसकी चिता की राख में भी शक्ति है, या उसकी चिता की धुआं में वो शक्ति है। जैसे राजा कामध्वज की कथा है, भक्त के चिता की धुआं से सब प्रेत तर गए। इस ब्रजभूमि में बड़ा चमत्कार है, हमने देखा पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज मरे थे तो उनको फूंकने के लिए धोनी कुंड पर ले गए थे, तो उनकी जो चादरा ओढ़ाया गया था उसके चीर
फाड़ फाड़ के सब ब्रजवासी ले गए। जो कफन का कपड़ा था प्रसाद समझ के, हमने कभी देखा नहीं था, हमने कहा भाई ब्रजभूमि बड़ी धन्य है, यहाँ इतनी श्रद्धा जो शास्त्र में वैष्णवता सिखाई जाती है, इस ब्रजभूमि में अपने आप सब वैष्णव हैं। और ये हमारे आंखों देखी घटना है। एक ब्रजवासी था इसी चिकसोरी गांव का, हमसे बहुत प्रेम करता था, माखन उसका नाम था। और उसकी स्त्री थी, उसको धोंधले धोंधलो हम लोग कहते थे। तो उसने एक बांस उठाया, उसमें से निकाला काठी में से, और बोला पंडित बाबा ये हमारे सामने घटना है। उसके छह लड़कियां थीं, लड़का एक भी नहीं था। या तो मुझे लड़का दे दे या तो मुझे ले जा यहां से आ। बांस ले गया और उसी बांस पर वो अगले साल उसका शरीर फूंका। ये हमारे सामने की घटना है। सुनी भाई तो अलग होती है, देखी भाई अलग होती है। बड़ा श्रद्धालु था और पुराना ब्रजवासी था। होलियों में वो स्वांग निकालता था, गांव के लोग बताते हैं, हैं? हाँ, वो हमारी कुटिया में आते तो नाचते नाचते आते। और धोंधलो भी इतनी भक्त थी कि अब क्या बताएं। जब हम भिक्षा लेने जाते थे तो बुला लेता, बहुत प्रेम करता। और हम बैठे, बोले बाबा आज तो ही प्रसाद पाले, त्योहार है, तो हम प्रसाद जब पाने बैठ जाते तो नाक से सांस सूंघता तो ऐसे लगता था जैसे कोई फूंक फूंकार कर रहा है। हम चौंक गए। तुमने कहा ये क्या कर रहे हो भाई माखन? अरे तुम हरि भक्त हो, तुम्हारे शरीर की सुगंध ले रही हूं मैं। तो वो उसकी बात पंडित जी ने सुनी और वो एक साल में चला गया। तो वो हमारी बल्कि माता जी पधारियां तो दाह लगाया गया था तो सब जगह सुगंध फैल गई। तो हर मनुष्य की चिता में, उसके शव में उसके पाप पुण्य सब छिपे रहते हैं। इसलिए वो जो विमान देवता का गिरा और वो सब फिर से उसमें शक्ति आ गई, केवल एक कदम जल ले जाने के पुण्य देने से। भगवत सेवा में वो शक्ति है, लेकिन क्या करें, हम जैसे लोग श्रद्धाहीन हैं, काम चोर हैं, शरीर की सेवा भी नहीं कर सकते। केवल वही बात है कि भोजन करने बैठेंगे सब देवता आ जाएंगे और 14-14 रोटी खा जाएंगे और फिर सब चले जाएंगे देवता, चलो सो जाओ। तो इसलिए शरणागति है ही नहीं है। आलस्य प्रमाद
ये सब भरे हुए हैं शरीर में,